चीज महंगी हो रही है। बस अब दो चीजें रह गई है, एक हवा और एक पानी। खुदा का वास्ता उस पर भी टैक्स लगा दो, यही हाल है। और जो बम इंडिया को मारना है वो पाकिस्तान को ही मार दो। आऊंगा मैं अभी, देख शशके दिखाइए, चेक करें, ये नरेंद्र मोदी हैं। मैं देख रही हूं, मैंने खुद देखी है, ये तस्वीर देखी है ना आपने, ये दिखा रहे हैं, देखो भाई हमारा मुल्क चांद पर पहुंच गया। ये सब शर्म के मारे डूब मरे हम सब, ठीक है। भले वो हमारी उसके साथ जंगे हुई है, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहा है। आप देखे तीन दफा उन्होंने कोशिश की, 2011 2019, और अब जाके उन्होंने अपनी कोशिश को जो उन्होंने स्ट्रगल किया है दुनिया ने देखा है। इस पे मैं भी उनको सलूट मारता हूँ इस बात पे कि वो गए, उन्होंने मेहनत करी है। क्या हालात है, तो ये हालात किस तरफ जा रहे हैं हमारे? हाल जो है ना सर जी, बेहाल है, ना रोटी है ना दाल है, सबका बुरा ही हाल है। नरेंद्र मोदी का नाम लेने से क्या मसला? मेरी बात सुने, आज दुनिया उनकी तारीफें कर रही है, दुनिया मान रही है, दुनिया वो मान रही है, हम माने ना माने वो तरक्की कर रहे हैं, वो चांद पर चले गए, हम क्या कर रहे हैं? आज चांद पर ही क्या करना है जाके? हालात किस तरफ जा रहे हैं हमारे? हाल जो है ना सर जी, बेहाल है, ना रोटी है ना दाल है, सबका बुरा ही हाल है। और क्या बताएं आपको सर, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया चंद्रयान पर पहुंच गया, चांद पर पहुंच गया, खबर सुनी आपने? बिल्कुल पहुंच गया सर, वो चांद पर चला गया, हमारे इधर यहाँ पर क्या हालात है? ये हम आवाम को ऊपर पुचा रहे हैं, ये इनका ये कारनामा है। वो चांद पे पहुंच गए, ये गरीबों को जीते जी खबरों में पुचा रहे, और आने वाले टाइम में आपको कफन भी नसीब नहीं होना, जो हालात हो गए। आपको मैं एक वीडियो एक तस्वीर दिखाता हूँ, तस्वीर जरा देखें, उसके बाद आप जरा शशके चेक करें नरेंद्र मोदी के। ये ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये नरेंद्र मोदी ये दिखा रहे हैं, ये अखबार में दिखा रहे हैं कि इंडिया जो है कि वो दुनिया का पहला मुल्क बन गया जो डार्क सरफेस पर जाने वाला है। जी जी, समय ने चांद पर चला गया, वो चला गया, सही बात है। अब कितने फखर से दिखा रहे हैं कि भाई ये देखो, हाँ जी, पीएम मोदी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, पीएम मोदी इस दुनिया के बाहर चले गए, फॉर एग्जाम्पल चांद पर चले गए। हमारे हमें आवाम ने हमें कहाँ पे भेजा हमारी हुकूमत? सर जी, उन्होंने सन 2011 में ट्राई की पहली, दूसरी ट्राई उन्होंने सन 2019 में की, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहे। और ये जो ट्राइयाँ कर रहे हैं, ये गरीब आदमी का बेड़ा गरक कर रहे हैं। IMF बैंक वालों से $2,000 अरब मिला है, लेकिन उन्होंने गरीब को कोई रिलीफ नहीं दिया। सारे चोर मगरमच्छ खा गए। इमरान खान को ये चोर बोलते हैं, वो जैसा भी था उसने कोरोना में मुल्क चलाया, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। उस टाइम पे सुपर पावर अमेरिका ने भी घुटने टेक दिए थे, लेकिन इमरान खान मुल्क को लेके चला। आज उसको 800 करके उसको बंद कर दिया गया। ये जुल्म और ज्यादती है। गरीब आदमी का देखें, बिजली महंगी हो गई, ठीक है, आज 2-5 रुपये महंगी हुई है, डॉलर 350 जा रहा है, पेट्रोल भी 350 जा रहा है। जाहिर बात है जब चीज़ें महंगी होंगी, हर चीज़ महंगी हो रही है। बस अब दो चीज़ें रह गई हैं, एक हवा और एक पानी। खुदा का वास्ता उस पर भी टैक्स लगा दो, यही हाल है। और जो बम इंडिया को मारना है वो पाकिस्तान को ही मार दो। ये रोज का जो हम सुबह उठते हैं, कभी पेट्रोल महंगा, कभी बिजली महंगी, तो ऐसा अच्छा एक ही दफा गरीब आवाम को मारो और जान छोड़ाओ। क्या ये इंडिया को बम मार सकते हैं? जितनी की बड़ी वो इकोनॉमी बन गई है दुनिया में, जितनी तो उसका दबदबा हो गया, पूरी दुनिया सलाम कर रही है, हमें नहीं बुला रही। ये ब्रिक्स की मीटिंग दिखा रहा था मैं आपको, वहाँ पर छोटे से छोटा इस्लामी मुल्क को बुलाया गया, पाकिस्तान को वहाँ पर नहीं बुलाया गया। हमें कोई खाते में ही नहीं ले रहा भाई, यहाँ पर हमारे इतने हालात खराब हैं तो दुनिया हमें कैसे मानेगी? इंडिया की तारीफें क्यों होती हैं सर जी? वो असल में हिंदू होके हमारे खुलफाए राशिदीन के बताए हुए असूलों पर चल रहे, जैसे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ना भेस बदल के गरीबों को खिलाते थे खाना वाना। उसके बाद अगर रात के टाइम एक दफ़ा सोए ख्वाब आया, बिशारत हुई कि उमर रैफ रात के सामने कुत्ता है, थोड़ा सा मेरा इस बात को जरा ना लेक्चर को जरा थोड़ा वैल्यू करें, अगर उस टाइम पे कुत्ता भी मर गया तेरा गिरबान पकड़ा जाएगा। हजरत मौल अली करम वाला वजह रात को भेस बदल कर जाते थे, ठीक है, जाते थे कि नहीं जाते थे, या इस वजह से कि कोई भूखा ना मर जाए। एक बुढ़िया माई थी, उसके बच्चे थे, वो बेवा थी, उसने बोला जब जाके देखा तो बच्चे भूख के मारे प्याज बैठे हुए थे। उस टाइम पे वो हांडी के अंदर उन्होंने पत्थर उबाल रही थी, तो मौला अली को बोला हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला और इसी तरह हजरत मौला अली का वाक्य, ये वो थे जिनसे हमें सबक लेना चाहिए। इन्हीं को आइडियल बना के गैर मुस्लिम आगे निकल गए, हम वहीं के वहीं हैं, क्योंकि उनके दिल में ईमान था, दर्द था, दुख था। ये हुक्मरान अपने पेट का सोच रहे हैं, इनको गरीब का किसी का कोई सर, हिंदुस्तान के अंदर राशन कार्ड है जी जी। वहाँ पर आप राशन कार्ड के थ्रू आपको पूरे महीने का राशन फ्री मिल जाता है, मिल जाता है, यहाँ पर मिलता है। मैं नेट पे आज देख रहा था, 200 यूनिट चलाने के बाद वहाँ यूनिट अकाउंट होता है, यहाँ कोई बेनिफिट रिलीफ नहीं है। इधर को आवाम को इन्होंने जानवर गधा कुत्ता समझ लिया, आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को। और ये पाकिस्तानी कौम बड़ी अजीम कौम है, ईमान वाली कौम है, लेकिन मैं आर्मी चीफ से दरख्वास्त करता हूँ, जनरल मुनीर आसिम से, खुदा का वास्ता आप नेक ईमान वाले आदमी हो, फौजी हो, हम आपको सलूट मारते हैं, हमारी फौज के ऊपर हमारी जान कुर्बान है। मैंने पिछले इंटरव्यू में यही कहा था यार, ये रोज़ का जो गरीबों को बम मार रहे हो, एक ही दफ़ा मैं आसिम मुनीर साहब को ये भी नहीं कह सकता हमें मार दें, अगर वो दुश्मनों के लिए रखा ठीक है, लेकिन ये जो हुक्मरान हमें मार रहे हैं तो हम किसके आगे बोलें? अब ये फिरौन और यजीद बन गए हमारे लिए, मुहर्रम का महीना है। आपको पता है ये हालात कैसे पैदा हुए?
ये हालात इनकी नाहेली की वजह से पैदा हुए हैं। सारे मगरमच्छ एक जगह बैठ गए, गरीब को नचोड़ हैं। ये हालात ऐसे पैदा हुए हैं, चार जंगे लड़ी हैं, हमारा डिफेंस का 85% कहाँ जाता है? हमारे डिफेंस का यही सिक्योरिटी अदारों को जाता है, जाता है, बेशक जाता है, सिक्योरिटी अदारों को जाता है। अगर वहीं हम तालीम पे लगा दें, सेहत पे लगा दें, गरीब को रिलीफ देने पे लगा दें, हमें इंडिया की दुश्मनी बेची जाती है। इंडिया की दुश्मनी हम बड़ी खुशी से ले लेते हैं। यहाँ पर मैं कहूँगा इंडिया हमसे ज्यादा तरक्की कर रहा, ये लोग जज्बाती हो जाएंगे, मुझे यहाँ पर मारने भी शुरू कर देंगे ये लोग। एक एक बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर मैं सुलह की बात करूँ तो ये कहेंगे ये एजेंट है। हमारा माइंड इस तरह का बना दिया गया, मैं बता रहा हूँ, सुन ले। यहाँ पर इन आवाम को कहना चाहिए हमारा मामला इंडिया के साथ सॉर्ट आउट करो, हमें ठीक करो। बिल्कुल, अगर मामला ठीक हो जाते हैं, ट्रेड कर लेते हैं, तो आज ये मुल्क के हालात सेट हो जाएंगे। बिल्कुल, हालात सेट हो सकते हैं। सर जी देखें, हक सच की बात है, हमारे नबी का भी फरमान है, अगर दुश्मन है अच्छा काम करा आप उसकी तारीफ करो, ठीक है, भले वो हमारी उसके साथ जंगे हुई है लेकिन वो स्ट्रगल कर रहा है। आप देखें, तीन दफा उन्होंने कोशिश की, 2011 2019, और अब जाके उन्होंने अपनी कोशिश को जो उन्होंने स्ट्रगल किया है दुनिया ने देखा है। इस पर मैं भी उनको सलूट मारता हूँ इस बात पे कि वो गए, उन्होंने मेहनत करी है, ये उनकी कामयाबी है, हमें उनको दाद देनी चाहिए। स्पोर्ट्समैन का मुजाहरा यही है, लेकिन कहने का मकसद तुम भी तो कोई गरीब को रिलीफ दो। सर, हम टेक्नोलॉजी में इतने क्यों नहीं तरक्की कर पा रहे? हमारे टेक्नोलॉजी में कहीं नाम ही नहीं आ रहा। अब दुनिया देखो तो टेक्नोलॉजी को सलूट कर दिया। अब हर चीज़ आईफोन इंडिया में बन रहा है, अभी टेस्ला गाड़ी बन रही है, हर इलेक्ट्रिक गाड़ी इंडिया में बन रही है, हमारे यहाँ पर क्या बन रहा है? सर जी, इधर जो है ना, बस आवाम को चूतिया बनाने वाली मशीन बनाया हुआ। वर्ड तो मैंने बोला, गलत अल्फाज कर दिया, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने आवाम को मार दिया है। मैं फिर आपको वही बात रिप्ले कर रहा हूँ, पीछे रिवर्स कर रहा हूँ, 2000 अरब डॉलर पाकिस्तानी खरब रुपये बनता है। लोग अपने बच्चों के साथ खुदकुशियाँ कर रहे हैं, दरियाओं में छलांगे मार रहे हैं, नहरों में छलांगे मार रहे हैं। और मैं बोलता हूँ ऐसे हुक्मरानों को खुदा बेड़ा गर्क करे जिनको गरीबों का एहसास ख्याल नहीं है। हम लोग गरीब आदमी 700-800 कमाते, हमारी पूरी नहीं पड़ रही, हम 20-30 हज़ार बिल भरें, हम क्या करें बताओ? आटा महंगा, घी महंगा, चीनी महंगी, कहाँ जाएं हम लोग? ये जज्बात हैं जो कि इनके बाहर निकल रहे हैं। महंगाई से लिटरली गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया। सर मैं बता रहा हूँ, हमारे एरिया के इर्द गिर्द एक बुजुर्ग मेरे पास आए, एक बिल लेके अपना, उन्होंने 150 यूनिट चलाए हुए, 15,000 बिल, और वो कमाते भी 15,000 ही हैं। सर जी 199 पे कितना बिल है? 4,500, और 2 यूनिट बढ़ गया 8,000। ये कहाँ का इंसाफ है ये बताएं आप? ये ना समझे, हम अल्लाह का शुक्र है बाशूर कौम है, पाकिस्तानी कौम है, हम लोग सब समझते हैं, हम घास नहीं खाते, हम भी रोटी खाते हैं। खान साहब जैसे भी थे उसको लोग बुरा भला बोलते थे, लेकिन मैं फिर कहता हूँ, देखो मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो हक सच की बात है, गरीब आदमी भूखा नहीं मरता था, इनके दौर में बंदा भूखा मर रहा है। जी, अपने प्राइम मिनिस्टर का नाम ले जो भी है, और एक कानून बना दें कि भाई जो भी हमारी असेंबली आएगी वो 5 साल पूरे करेगी। नरेंद्र मोदी का नाम लेने से क्या मसला? मेरी बात सुने, आज दुनिया उनकी तारीफें कर रही है, दुनिया मान रही है, दुनिया वो मान रही है, हम माने ना माने वो तरक्की कर रहे हैं, वो चांद पर चले गए, हम क्या कर रहे हैं? आज चांद पर ही क्या करना है, जाके चांद पर कुछ भी नहीं है। सर चांद पर जाने से उन्होंने अपना रॉकेट की रेंज बता दी, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो रॉकेट है वो चांद पर जा सकता है, आपका रॉकेट क्या कर सकता है? क्या फायदा हुआ? हमारे पास MMM आलम जो चला गया ना रॉकेट, वो कोई भी नहीं है। जो कतर में MMM आलम किधर का था? बांग्लादेश का था। बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, पाकिस्तान था ये, अब अलग हो गया पाकिस्तान। आपने अब्दुल कदीर की बात की, अब्दुल कदीर को क्या दिया कौम ने? अब्दुल कदीर ना हमने एटम बम दिया, आपने खुद ही जवाब दे दिया। मुजम्मल कुरैशी, आपने खुद ही जवाब दिया कि बंदे की कदर नहीं करते, कोई इनको बताए क्या? कुछ भी नहीं भाई, वो कदर करते हैं तो वो तरक्की भी कर रहे हैं। आज मैं उनकी नरेंद्र मोदी का नाम लिया तो आपका बड़ा गुस्सा आ गया। मेरा गुस्सा नहीं आया, मैं यही बात कर रहा हूँ। हमें जज्बाती करके बेवकूफ़ बनाकर आज हमारे ये हालात हैं। हमारा दुश्मन कोई नहीं, हम इसके सामने आके बात ना कर, मैं बता रहा हूँ, उसके पीछे छुप के ना वो पीछे छुप के तो वहाँ जाते हैं। आप अकलमंद हैं और आपकी अकल माशाल्लाह सुन रही है, पब्लिक सुन रही है, ठीक है सर, तो हमें आपको भी थोड़ा सा ना, हमें थोड़ा शोर लेने की जरूरत है। आखिरी बात सुन लो, आपने दो मोरिया पुल सुना हुआ है? दो मोरिया पुल के नीचे एक बस फंस गई, तो लोग देख रहे हैं कि यार अब क्या करें इसको। एक वहाँ सामने से इतना सा बच्चा आया 5-4 साल का, कहता है पेंडू फंस गए हो? आहो, कहता जी फंस गए। किन्नी हुई ये बस फंसी? कहता 4 इंच। कहता 2 फीटे मुँह साढ़ा एनू कटिए, मैं कर दिया, किन्ने पैसे दोगे? और दवानी यारना बड़ी चीज सी, घर जाके माचिस की तीली ले आया और उसकी हवा निकाल दी। अच्छा। क्या किया? उसकी हवा निकाल दी, 2 इंच से निकाली, 4 इंच उसकी हवा निकाली। कहता कडो परले पास क्या थे? कहता कड उन तेली जड़ी तू मैनू क्या सी? तो भाई अकल जो है ना खुदा चीज़ है,
ये तो हम इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे आवाम, अब हम सारे बेवकूफ, मेरी बात सुने। मैंने आपको बताया ना, मैंने भी एक तरीका बताया ना कि इस बच्चे से भी पूछ ले, उससे भी पूछ ले, उससे भी पूछ ले, ठीक है। ए वो मदद बंदा ने बहुत जलील हो गए ने, वो आटा नहीं पूरा आता, वो खर्चा नहीं आता, वो सानू बस धक्के मार के शहर से बाहर करता है, वो असी वो अल्लाह का शुक्र अदा करने हैं, वो कहते हुकूमत है वो मारे ने, वो जलील कर देने, वो धक्के मार के वो। सोच बदलने का टाइम आ गया, सोच बदले हमें, अपने अपने नौजवानों को, अपने नौजवानों को तालीम देने की जरूरत है सर, हमें दुश्मनियां खत्म करने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी के नाम पे भी उतनी खुशी होनी चाहिए जितना प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के नाम लेने पे भी खुशी होनी चाहिए। कौन सा प्राइम मिनिस्टर बताएं? पाकिस्तान के किसी भी के नाम भी लें सर, किसी को भी बुरा क्यों कहे, जितने तो चाइना के प्राइम मिनिस्टर का नाम लेकर यहाँ पर आपको खुशी होती है, उतना ही इंडिया के नाम को भी लेकर खुशी होनी चाहिए। हमें नफरतें दूर करने की जरूरत है, जब तक माइंडसेट साफ नहीं करेंगे हमें बेवकूफ बनाते रहेंगे, और आपके टैक्सों पर और कोई राज करेंगे और आप बेवकूफ बनते रहेंगे। 76 ईयर से बेवकूफ बन रहे हैं, आगे भी बनेंगे, आगे भी बनेंगे। और देखें कि वो जो है ना अपना आजाद कश्मीर वाले बिल लेके बाहर आ गए, उन्होंने कहा कि भाई हम जो है ना बिल नहीं देंगे। और आप मुझे बताओ, जब गुजरा वाले तक आ गए हैं, वो गुजरात फैसलाबाद भी आ गए हैं, लाहौर वाले सोए हुए हैं सारे के सारे, और लाहौर ये जागो मरियम साहिबा कहती थी पेट्रोल महंगा हो जाए वजीर आजम को इस्तीफा दे देना चाहिए। और यार पेट्रोल की हर चीज महंगी हो गई है, खुदा का वास्ता कोई खुदा का खौफ करो। सर एक सवाल का जवाब दे दे, सामने देखिएगा कैमरे की तरफ, क्या हालात है, गुजारा कैसा चल रहा है आपका? हालात जो है ना ये सारी उम्र ऐसे ही रहेंगे, अगर कोई भी बंदा अपनी जिम्मेदारी समझ ले ना कि मेरी ये जिम्मेदारी है, हालात सीधे होते जाएंगे। एक पैसा या एक रुपया आप डेली टैक्स दे देना गवर्नमेंट को, 25 करोड़ आवाम है, तो 25 करोड़ रुपया गवर्नमेंट के खाते में चला जाता है। अगर ये बना ले कि यार आप फिल्म बना रहे हो तो मैंने जो ना फिल्म में 25,000 रुपया लेना है, तो ये फिर काम नहीं चलता। अगले दिन करोगे तो कितने हो जाएंगे, 25×50, फिर चलोगे 75,000 जो है ना, वो 75 करोड़ जो है ना चला जाएगा, तो फिर ऐसे ऐसे अगर आप चलते जाएंगे, आप हुकूमत को आप खुद भी चलाएं, और हर बंदा जो है ना, हर बंदा टैक्स जो चोर ले जाएंगे सवाल का जवाब दो। हम यहाँ पर आपस में रोटी के लिए लड़ रहे हैं, इस टाइम हमारी जो जंग है एक वक्त का टाइम निकालने में लग रहा है। अब मुझे बताएं, हमारा पड़ोसी चांद पर चला गया, वो तरक्की पे तरक्की करता जा रहा, हम क्या कर रहे हैं? आप उनका खुदा नहीं है, हमारा खुदा है। खुदा ने कहा है कि रोटी मैंने देनी है, वो हर एक को रोटी देता है, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे अंग्रेज है, चाहे वो यहूदी है, रब ताला की जात उसने वादा किया हुआ, रोटी मैंने देनी है, रोटी देता है जी। अब बात सुने रोटी के अल्लाह ताला ने वादा किया, लेकिन अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा कि टांगे से फैला के बैठ जाओ, रोटी मैं ऊपर से दूंगा, मनो सलवा देते थे कौम को अल्लाह ताला। अब नहीं, अब दुनिया बस रही है, मुशक्कत है, अब मेहनत नहीं करेंगे। आज देखे हमसे आगे इंडिया, हम उन्होंने मानते ही नहीं, हम कहते वो तो नॉन मुस्लिम, वो तो काफिर, वो हमसे आगे क्यों निकल गए? वो आप मेहनत करते नहीं, हम कहते हैं कि अल्लाह कर रहा है, अल्लाह क्यों क्या करेगा आपके? 1 अरब 20 करोड़ का शेयर है ये इंडिया, 1 अरब 20 करोड़ का, बल्कि ज्यादा ही आबादी है, 52 सूबे कैसे वो लेके चल रहे हैं, इनसे 4 सूबे नहीं संभाले जाए, बताएं, जवाब दें। नहीं, इनसे 4 नहीं ना संभाले गए, हमारे ये यकीन, हमारा ये यकीन के पहली बात ये थी। नहीं, नवाज शरीफ की गल नहीं कर रहा मैं ना इमरान की कर रहा, ना मैं किसी, मैं कहना कि सिर्फ जाना ना तुम, एक मिनट इनको मौका देते हैं थोड़ा सा, क्या कहना चाहेंगे? पड़ोसी मुल्क चांद पर चला गया, पड़ोसी मुल्क हमारा चांद पर चला गया, यहाँ पर रोटी की जंग है, यहाँ पर हम सिर्फ आटे की बात कर रहे हैं, बिजली के बिलों की बात कर रहे हैं, वो कैसे चांद पर चला गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि जो हम है ना, हम अल्लाह के तकवे पर चल रहे हैं, ये मत सोचना कभी जिंदगी में ये कभी मत सोचना, सब मेरे दोस्त सुन रहे हैं, कि हमारा हुक्मरान हम पर रहम करेगा, हरगज़ नहीं, हम पर रहम करता है सिर्फ खुदा,
ये मत सोचे नवाज शरीफ है, जरदारी है, इमरान है, हम पर कोई भी खौफ है खुदा खाएगा नहीं खाएगा। अल्लाह उस कौम के हालात नहीं बदलता जब तक वो कौम अपने हालात खुद नहीं बदलती। क्या हम सब कुछ जानते हैं सर? एक सर 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 पहले कुरान आया था, कुरान में ये है कि जैसी रियाया वैसा हुक्मरान। कुरान को आप चैलेंज नहीं कर सकते। ये जो शेर आपने पढ़ा ना अल्लामा साहब का, अल्लामा इकबाल का, ये बाद का है सर। खुदा को चैलेंज को दुनिया कोई भी नहीं कर सकती। मैं तो जस्ट बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक बात कर रहा हूँ, जब जिस को जो कौमें अपने हालात नहीं बदलती, अल्लाह भी नहीं बदलता। ठीक है, आप सूरत पढ़ें वही लुली कुल्ली हमादातुल जमातुल जी, उसके आखिर में आता है नारुल हुतामा, कि तुम्हें क्या मालूम कि हुतामा क्या चीज़ है, ये तो बढ़ती हुई आग है। समझ आई? तो ये जो जब हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम फेंके गए थे और जो अंधे थे ना उन्होंने कहा था जी हमने रोशनी देखी है, जो बहरे थे उन्होंने भी ये कहा था कि हमने आवाज़ आज सुनी है। तो उन्होंने कुरान को पढ़ा है और कुरान से वो सुनना चाह, आप भी कुरान पढ़ें उस पर अमल करें, सब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगली बात सुने कि आप लंदन चले जाएं, अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर देखें। आप देखेंगे ये सामने ना घर है, घर के सामने बोतल पड़ी है दूध की, तो दूध की क्या उसमें लिखा है 75, मतलब 75% प्योर है, बाकी इसमें वाटर है। आप इनकी बातों से कितना इत्तेफाक करते हैं? बुजुर्ग आदमी है, मेरे से इनका नॉलेज मैं मानता हूँ ज़्यादा ही होएगा, लेकिन बात करने का सर जी मकसद ये है कि इंडिया जो चांद पे पहुँचा है ना, वो भले गैर मजहब है जो भी हैं, लेकिन वो हमारे कुरान शरीफ को गाइड करके या गैर मजहब जो अमेरिका वाले पहुँचे हैं इसी तरह ही पहुँचे हैं। अगर हम लोग इसी चीज़ पर अमल करें तो आज हम भी आज हम इनसे 1000 साल पहले चांद पे पहुँच जाते हैं। 200 कर रहे साल पहले अमल तो करते हैं, लेकिन ये हुक्मरानों का काम है ना अमल करना और कराना। सर हमारे मुल्क के अंदर सबसे पहले हमने स्पेस अपनी खलागी एजेंसी बनाई थी, पता क्या हुआ? डॉक्टर अब्दुल सलाम को हमने कहा कि ये मिर्जाई है इसको निकालो यहाँ से, हमने उनको भी निकाल दिया। ये जब हालात होंगे तो आपको लगता है कि हम दूसरी दुनिया से आगे जाएंगे? हम सिर्फ बातें करते हैं कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अब कर सकते हैं कुछ? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जी। लेकिन एक बात है, उन्होंने अपनी आवाम को रिलीफ दिया हुआ है, उन्होंने पैकेज दिए हुए हैं, भले गरीब मुल्क है वो, मैं आपको बता रहा हूँ 1 अरब 20 करोड़ आबादी का शहर है और उससे ज़्यादा हमारी पाकिस्तान की ज़मीन को अल्लाह ने जरखेज रखा हुआ है। अगर ये ईमान से यकीन करे सिर्फ कोयला भेजे ना कोयला, तो पूरे मुल्क को लेकर चल सकते हैं। चाइना इनको बिजली दे रहा है लेकिन वो कहता है तुम एसी चलाओ बाथरूम में, वॉशरूम में एसी चलाओ, सिर्फ हमारे को 500 रुपये महीना दो, लेकिन इनकी नीयतों में बदनीयतीपन है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो दुनिया का आप आइए आगे आइएगा, आप जी अंकल क्या कहना चाहेंगे कि ये जो हालात हैं, ये जो हालात हैं ये कैसे ठीक हो सकते हैं? वो चांद पर चला गया पड़ोसी, वो जा सकता है भाई, क्योंकि उसके पीछे भी मुसलमान का हाथ है। जो यहाँ पाकिस्तान दुनिया में जितनी भी तरक्की कर रहा है सारा मुसलमान कर रहा है। बात यह है कि कायनात बनी को कायनात बनी ना तो ला इलाहा भी बनाते बनी, गैर मुस्लिम ने आज तक मुसलमानों को टांग खींची है और इनको सिर आ रहे हैं। यही गलत फहमी में हम ये हालात में हैं सर। कोई हम पे साजिश नहीं कर रहा, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि मुसलमानों पे खाली बैठ के साजिश करे। खुद कर रहे हैं। डॉक्टर कदीर हुआ, अल्लाह को प्यारा हो गया, सारी दुनिया उसको मर्दई कहने लगा। मर्दई कौन है, है? अगर पाकिस्तान आज क्रिश्चन यहाँ का हकदार है तो वो नहीं हकदार, वो नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट के पास वो फैसिलिटी नहीं है, जैसे मेरे बुजुर्ग ने कहा है कि दूध में मिलावट है, और भाई हर चीज़ में मिलावट है। आज तो तुम्हारे बच्चे और बाबा बात सुने और तुम्हारे दूध है इसमें, तुम्हारे पूरी चीज़ें कह रहे हैं नौकरी नहीं मिल रही, 2.5 लाख रुपए चपरासी का इस मुल्क में। पल्ले हो तो कोई अच्छी चीज़ खरीदें, अच्छी चीज़ खाएं, अच्छे कपड़े पहने। ये देखो लंडे बाजार में आए हुए हैं समेत मेरे। यहाँ ये मुल्क के हालात कैसे हुए, कैसे हुए आप लोगों को पता है? किसने किए हैं, क्यों किए हैं, सबको पता है। हम आप मेरे से पूछेंगे, उससे पूछेंगे, सब आपको बताएंगे कि किसने ये हालात पैदा किए हैं, आपको पता है। हमारा पड़ोसी मुल्क चांद पर चला गया, हाँ। चंद्रयान भेज दिया, हाँ, हम दरिया की गहराई में भी नहीं जा सकते, वो चांद पे पहुंच गए, हम जमीन की गहराई में भी, जो हमारे हालात, जो हमारी सोचें, जो हमारे करतूत हैं। आपको छोटी सी तस्वीर दिखाऊंगा मैं अभी, देख शशके दिखाई, चेक करें, ये नरेंद्र मोदी हैं। मैं देख रही हूँ, मैंने खुद देखी है टीवी, ये तस्वीर देखी है ना आपने, ये दिखा रहे हैं, देखो भाई हमारा मुल्क चांद पर पहुंच गया। ये सब शर्म के मारे डूब मरे हम सब, हमारा हालात, हमारी हुकूमत, हमारे अदारे, सब हम शर्म के मारे डूब मरे के वो चांद पे पहुँच गए, हम कब्रों में जा रहे हैं, हम कब्र में भी नहीं पहुँच सकते, वो भी बड़ा महंगा जाना। ठीक है मेरे बेटे, ओके। आखिरी सवाल है,
क्या ये हालात कैसे हम ठीक कर सकते हैं? हम हालात वैसे ही ठीक कर सकते हैं, आप सबको पता है हालात कैसे ठीक होंगे और कौन ठीक करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप ठीक करूंगी, आप एक नारा लगा दो। हमारे वजीर आजम लंदन पहुंच गए। लंदन कौन सा? हाँ, नारा कौन सा लगाएगा? नारा जौन सा मर्जी लगाओ आप, लगाओ जरा नारा। नारा हमारा यही है, माँ जी गरीब आदमी को रिलीफ दो, रिलीफ दो, बेनिफिट दो, नारे तकबीर, नारे है। मुझे बताएं, आज तक 65 साल हो गए, 75 साल, 76 साल हो गए मुल्क बने हुए, सिवाय नारे के हमने इस मुल्क को क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। जो देने आया था उसको वैसे ही दबा दिया, बस सुन लिया।